असल है तो ना मुझे अच्छे से दे दे आपकी चली गई क्यों जाए और आप कितनी उम्र का भी मुझे कह रहे हैं आपकी जो है तो नहीं वो एक Assalamu alaikum, welcome back to my vlogs. Another day started. नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया है और आज आ रही है मेरी फुप्पो, मेरी सिस्टर इन लॉज, बच्चे सब आ रहे हैं. सुबह का टाइम है, अभी क्या टाइम हुआ है, हम 12 बजे. तो मैंने कहा चिकन मैंने अभी अभी निकाला है, वो तो डीफ्रोस्ट हो रहा है. मैंने कहा चलो मैं ना फटाफट से प्याज उतनी देर में कर लेती हूँ ब्राउन, बाद में जब चिकन हो जाएगा डीफ्रोज तो फिर वो भी मैं इसमें डाल के कर लूँगी. तो प्याज मैंने कहा प्याज़ों को फारिग करूँ, इनकी स्मेल पूरे घर में बहुत फैलती है. मैंने कहा शावर वगैरह लेने से पहले ही ना इन्हें करके डन कर देते हैं. ये लें जी, अब साथ में सारे गरम मसाले भी मैं डाल दूँगी, ये भी साथ ही होते रहेंगे इसमें. ये प्याज हो गए, अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक और चिकन बाद में डालती हूँ. अभी चिकन मेरा अभी तक डीप रोस्ट ही नहीं हुआ. ये देखें लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिए. साथ ही में मैं इसमें मिर्चें भी डाल देती हूँ मेरे ख्याल से. ये देखें ये मिर्चें, ये भी मैंने डाल दी हैं इसमें. अब ज़्यादा ही ना मिर्च हो जाए कहीं बच्चे नहीं फिर खाएंगे. यहाँ पर बस बच्चों के यूनिफॉर्म ट्राई हो रहे हैं. हमजा चलो आओ, तुम अपना बैकपैक रेडी करो. ना तुमने ये उसका क्यों खोला है, ज्योमेट्री केस बंद करो, उसने देख लिया ना फिर नाराज़ होगा ऐसा. चलो बाकी चीज़ें सारी डालो अपने उसमें, क्या क्या तुम्हें चाहिए. वाइट फिर मैं जो लिख लेते हैं ना जो जो चाहिए वो मैं ले आऊँगी आप लोगों के लिए. ओके जान जाओ ब्रश योर टीथ. सो आपने अपनी ज्योमेट्री केस में डाला है ब्लू पेन, हाँ ये डाल लिया तुमने ज्योमेट्री केस में. ये तुम्हारा ज्योमेट्री केस है, इसके अंदर चीजें नहीं तुमने डालनी. रबर डल गया है, शार्पनर डल गया है, ग्लू डल गई है एंड पेंसिल लेके आओ वहां से, पेंसिल डालो. सो यू नीड सीजर्स ऑल्सो, योर ओन सीजर्स स्कूलों के पास नहीं होती हैं. तो जाओ ये अपने ये रहा तुम्हारा बैग, इसमें डालो ये और अपना लंच बॉक्स भी ला के इसी के अंदर डालो ताकि तुम्हारा बैग रेडी हो. और वाटर बॉटल जाके सिंक में रखो ताकि मैं वो वॉश करूँ, ठीक है. सो अब तुम्हें सिर्फ चाहिए है वाइट बोर्ड पेन एंड सीजर्स. रीड दिस. वाटर बॉटल अपनी रखो सिंक में और लंच बॉक्स अपने बैग में ही डाल लो ताकि तुम लोग की चीज़ें एक तरफ हों. ये हमजा का लंच बॉक्स है और ये इसका बैग है. यहाँ पर बच्चों की कोई बुक्स वगैरह नहीं होती हैं, सब कुछ बस स्कूल में ही होता है. तो बस खाली बैग लेके जाते हैं, एक किताब बीच में रख लेते हैं और खाली वापस आते हैं. ये ज़ियान का बैकपैक जो हमने ख़रीदा था, साथ में ये इसका लंच बॉक्स है जो कि कह रहा है कि अब उसने ये नहीं लेना क्योंकि ठीक तरह से मैच नहीं हो रहा है. हालांकि मैच हो रहा है मेरे ख्याल से तो ये ठीक है. यहाँ से इसकी भी वाटर बॉटल वेल के निकालती हूँ, इसे धोते हैं. जब से बैकपैक आया है ना हर वक्त वो ये बैकपैक पहन के रखता है. अच्छा नहीं ईसा के ट्राउज़र टाइट कर, वो टाइट कह रही हूँ छोटे कर देंगे. हाँ ये वाला ईसा बैकपैक रख रहा है. ईसा दिखाओ मुझे ऐसा ना, ऐसा अच्छा लगता है. और ये मैंने ठीक है मैक्स से 1699 का लिया था. चलो अब अपने ज्योमेट्री केस में जो भी चीज़ें डाल जानी है ना वो रेडी करनी शुरू करो. They look like a cat, है ना? Yeah, I don't like it. कैलकुलेटर भी डालो ये बिल्कुल. ये शार्पनर इरेजर ये इसमें डालो. और क्या चाहिए, ब्लैक पेन यही वाला ये रख लो. मैं ब्लैक पेन नहीं भी ओके चलो वो रख लो. ईसा ने सब कुछ एक ही ज्योमेट्री केस में डाल दिया और सब कुछ आ भी गया. चलो अभी अपने बैग में रख लो, ये बैग रख लो. ये जो ये वाला ये भी तुमने रखना है. और ये क्या है जी, ये कोई नोटबुक है. कोई बात नहीं, एक ही पेज है, फाड़ देना.
बच्चों के बैग्स वगैरह सब रेडी करने के बाद बस फिर मैंने फटाफट से घर की सफाई की है। मैं हूवर कर रही थी और देखे कैसे कारपेट पे लाइंस पड़ रही हैं। जब हूवर से सफाई कर रहे हो ना आप और यूँ कारपेट पे लाइंस पड़े तो पता नहीं ये एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे बड़े ही ठीक तरह से हूवर हो रहा है। इतनी देर में चिकन भी रिफ्रोस्ट हो गया था तो मैंने फिर फटाफट चावलों का मसाला वगैरह सारा रेडी कर दिया, शावर वगैरह लिया और बस फिर मुझे याद आ गया कि कुछ चीज़ें आने वाली हैं तो मैंने कहा फटाफट से जाती हूँ और सब कुछ लेके आती हूँ। अब बस मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ पका रही हूँ और कुछ मिसिंग ना हो घर में। तो बस मैं फटाफट से निकलती हूँ, फटाफट से शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। ले लेते हैं पैरासिटामोल। शॉपिंग करके वापस आई तो फूफो और डैडी वगैरह आ गए हुए थे। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि मिल्क शेक बना के सबको पिलाते हैं। बस फिर मैंने निकाला जग और ये ठंडा ठार मज़ेदार शुगर के बगैर आइसक्रीम के साथ ये मिल्क शेक मैंने बना डाला बनाना का और बना के फिर सबको दिया। पता नहीं किसी में खोल था कि नहीं था, उसने ड्रिल करके बस फिलिंग की। मैंने कहा आइंदा मैंने इसके पास नहीं, लेकिन अगर कोई आपके दांत में मसला ना मेरे, मैं कहूंगी आप यहाँ से करवाएं। कभी जाके कमरे में होगा मिला आपको उधर? लेकिन ऐसे कुल्ली करते थे, फिर मसवाक भी करते थे। पहले ऐसे था ना, मेरे दांत कब खराब होते थे किसी के भी, ना बाल जल्दी वाइट होते थे ना दांत खराब होते थे। और अब तो सारे सब लोगों के बाल भी झड़ जाते हैं। बाल खराब ही नहीं होते थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपके बाबा का तो कोई जानते नहीं था। नहीं उनके बहुत जल्दी सफेद हो गए थे। लाल के भी बहुत काली काली में था सफेद हो गए। इनके सबके बहुत जल्दी हो गए, उनके दांत नहीं कभी हुए थे, दांत सही थे बिल्कुल। हाँ बाबा कभी डेंटिस्ट पे नहीं गए थे है ना? कभी भी नहीं डेंटिस्ट पे गए थे, वही नहीं थे मेरे वो थे, उनके नहीं गए। वालेकुम सलाम। आधी ली है कि पूरी ली है? आधी ने पूरी देखी। अच्छा लाइक दो दाने मुझे इसमें से दे दें, आपकी छली मीठी हो जाएगी। दे दो दे दे पानी मीठी है यहां पर, जूस से कभी भी नहीं देगा। एक चक्की दे दो। सिर्फ दो दाने, बहुत मजे की निकली भाई। आप कितने कंजूस हैं, हमारे वहां तो नहीं अच्छी लेकिन लगता है कितने हम बंद पका के आप लोगों को बल्कि छोटे ग्लास में देते हैं क्योंकि बनाना भी है और आइसक्रीम भी है। आइसक्रीम की वजह से बाकी बहुत मजा मीठा है ना डैडी, दिल करता था ना छल्ली खाने का, मैं खाती ही नहीं थी। अच्छा वो सब तो होती है ना दूसरी जमा पर, नाइफ लेके काट लो। नहीं बस हो गई मैंने, नहीं 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 तो उतना नहीं से कभी नहीं, वैसे ही निकाली है, निकाली थी ना तो फिर अगर तू ऐसे रुक छोड़ दी ना पूरे दाने आंदे निकल, नहीं काफी सारे निकलेंगे लेकिन पूरे तो पूरे आ गए बस फिर थोड़ी देर में मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह भी आ गई तो बच्चों के लिए मैंने ओरियो मिल्क शेक्स बनाए।
बच्चे तो खुशी से ही पागल हो जाते हैं जब भी उन्हें ओरियो मिल्कशेक मिलता है। सारे बच्चों ने बड़े शौक से पिए। मैंने कहा सबको आज मैं ठंड डालती हूँ। उतनी देर में मैंने पुलाव के लिए चावल वगैरह भी रख दिए हुए थे बीच में डाल के। ये योगर्ट है जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, मामा ने कहा ऐसे ही डाल दो। मैंने भी ऐसे ही डाल दिया, ना मैंने हिलाया जुलाया, ऐसे ही डाल के बस रख दिया। लेकिन फिर भी ठीक ही बने थे, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिलाओ ना हिलाओ उससे। बस अब मैं टेबल लगाने लगी थी और ईसा ये किचन में हूवर कर रहा था। मैंने कहा अच्छी तरह से हूवर कर दो एक दफ़ा किचन में। और उतनी देर में मैं गोश्त का सालन गरम कर रही थी, साथ में आलू के कबाब फ्राई कर रही थी, चावल बिल्कुल रेडी थे। तो मैंने कहा बस अब मैं टेबल लगाती हूँ और खाना सर्व करती हूँ। पुप्पो ये जर्दा बना के लेके आई थी, ये मेरे जियान को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसे कहता है येलो राइस, येलो राइस। स्कूल भी ले जाता है येलो राइस। मैंने कहा स्कूल वालों को पता ही नहीं कि इनमें कितनी चीनी डली हुई है, वरना कभी भी ना लेके आने दें। लेकिन वो बड़े शौक से खाते हैं ये। बैटी कबाब लेंगे ना? आलू चिकन वाला। अच्छा, ठीक है। गर्मी बहुत होती है। मुझे एक दिन नहीं लगता। इतनी ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी मजे की कितनी उम्र का भी मुझे कह रहे आप तो नहीं, वो एक मुंह पर चढ़ जाता है ना, साथ में सुनने के आदि हो जाते हैं। चले आप पता क्या करें, आप कहना मेरे बच्चे आपको बेबी नानो कहते हैं। पाकिस्तान में सारे मामा को आप ही कहते हैं। आप ही नानो कहते हैं। जो बच्चों बड़े कहते हैं ना बच्चे, फिर वही कहने लग जाते हैं। ओके अम्मी जी, अल्लाह हाफिज। नहीं तो हुआ क्या अब? हाँ जी इंशाल्लाह फिर आएंगे। ओके अम्मी जी, अल्लाह हाफिज। ज्यादा गर्मी हुई हुई है, मैं खिड़की खोलती हूँ। पहले मामा खोलती है, आप पढ़े नमाज। बहुत गर्मी हो रही है because Pupo said Zian is crying on each and everything, so they are going home. Then go and ask Sahina Pupo. Sahina Pupo, please for a little bit more. Go ask. कुछ भूल गई है दे। तेरे ही ओ यस, ये मेरा दुपट्टा है। पता नहीं किस चीज की चीज हूं। आहू सोने चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अभी ना मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज खाले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अभी ना मम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जी, आपा भी चले गई है, पुप्पो भी चले गई हैं। अभी मेरी कज़न यहीं पे है, फिर हम आराम से बैठते हैं और बातें करते हैं। बच्चे चले गए, बच्चों को मैं सोने के लिए लिटा दूँ। अपनी कज़न को नहीं मैंने अभी जाने देना, लेट नाइट भेजेंगे। हमजा, यू आर स्वेटिंग रियली बैडली, तुम्हारे पूरे बाल गीले हैं। जाओ जाओ के शावर लो और कपड़े चेंज करो अपने। मामा और बाजी पुराने टाइमों को बैठे याद कर रहे थे, पुरानी सारी बातें कर रहे थे। मैंने कहा चलो मौका देख के चौका मारते हैं। उतनी देर में मैं फटाफट अपने किचन को सारे को समेट देती हूँ, क्योंकि बर्तन मेरे सारे सिमटने वाले थे। मैंने कहा हूवर भी करती हूँ, मॉप भी करती हूँ, ताकि जब किचन साफ़ सुथरा हो ना तो नींद बड़ी अच्छी आती है। और फिर जब अगले दिन आप सुबह उठ के आते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हो, तो बड़ा ही अच्छा फील होता है। साफ़ किचन में आके नए दिन को स्टार्ट करना, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। अगर कभी किचन साफ ना हो तो अगले दिन जब आप सुबह सुबह उठ के किचन में आते हो ना, तो बड़ा ही बुरा फील होता है कि हाय अब इसको साफ करो, फिर कोई अगला काम स्टार्ट करो। तो इट्स बेस्ट कि जब भी आपके किचन में गंद डले, रात को सोने से पहले किचन को साफ करके सोएं और अगले दिन अपने दिन को फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करें, तो वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। मैंने भी बस यही किया है। देखें, टेबल शेबल सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया अच्छी तरह से। मामा और बाजी की बातें फुल चल रही थी, ये साफ सुफ सब करके फिर मैं आराम से जाके उनके साथ बैठी। कोई टेंशन नहीं थी कि किचन गंदा है
अभी मैंने कुछ सफाई करनी है। आराम से बैठकर हम लोगों ने खूब बातें की लेट नाइट तक और फिर बाजी गई। ओके बाजी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ना बाबा, अभी तक जाग रहा है आपका, अभी तक जाग रहे हो जानू, सो जाओ। अम्मा अगर आपको सोते सोते भी अंगूर खा रही हैं आप, हैं मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। दो थे बड़े में मैंने खाए। मेरी दोस्ती है ना, है ना? दोस्ती है नानो से। बॉक्स ला कर देना मैंने। वो देखो बाजी चले। क्या? Just one day, then school. अच्छा जी, मेरी तरफ से अब आप सबको बहुत बहुत अल्लाह हाफिज। अगर मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय। जियानी ने भी कहना है अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।